सुप्रभात बच्चों, मैं तरुण सर। हम लोग आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि, क्योंकि इसके पहले हम लोग आयादि संधि, गुण संधि और उसके पहचानने की विधि को हम लोगों ने जान लिया है। आज हम जानते हैं कि वृद्धि संधि इसका नियम क्या होगा, इस पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो देखते हैं कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, मतलब शुरू में, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में, या अंत है या प्रारंभ है, में ए आए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, अब दो शब्द समझ में आ रहा है, दो शब्द कैसे हो जाता है। जैसे आप देखिए एक अधन एक, तो एक भी शब्द है और ये भी एक शब्द है। ठीक है, अब कहता एक प्रारंभ है और दूसरा अंत है, तो हम दोनों को देखते हैं कि एक अधन एक बराबर एक है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं शब्द। जब भी हम संधि निषेध करते हैं तो दो शब्दों को अलग करना पड़ता है, और जब दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ देते हैं तो संधि हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, यदि ओ ओ आए तो ओ हो जाता है। यानी ध्यान देना है कि हमको वृद्धि संधि में जब भी हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें हमको ए और ओ, ए और ओ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बीच में यही रहेगा। ठीक है, इसलिए इस पर ही ध्यान देना। जैसे पहले मैंने बताया था ए ओ और, इसके पहले हमारे गुण संधि थे उसमें ए ओ और पर हम ध्यान दिए कि ये बीच में अगर आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि यह गुण संधि है। उसी तरह से ए आए और ओ आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि यह वृद्धि संधि है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए कि यदि ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे यहां पर देखते चलिए, पहले हम विचार करेंगे क्या चीज पर, पहले करेंगे ए पर। जैसे अ धन ए बराबर ए, तो एक धन एक बराबर एक एक ए आ गया। उसी तरह से लोक धन एसन क्या हो गया, लोकेशन। उसी तरह से आइए आप आ धन ए बराबर ए, तो सदा धन ए बराबर सदैव, यहां भी आयकार आ गया। तथा धन ए बराबर तथैव, यहां भी आयकार आ गया। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि अ अधन ए बराबर ए। ठीक है, तो मत धन ऐक्य क्या हो गया, मत ऐक्य, यहां भी आयकार हो गया। यहां पर फिर देखिए धन, यदि धन और इसको धनी कही तो चिन्ह धन का ही है, तो धन 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 ऐश्वर्य बराबर क्या हो गया, धन ऐश्वर्य। तो इसमें क्या हो गया, औकार आयकार आ गया। अब देखिए यहां पर फिर अब हम लोग ए का पढ़ लिया, अब देखना है ओ, बात हम लोग कर रहे थे ओ को, तो आ धन ओ बराबर ओ हो गया। क्या हो गया, आ धन ओ बराबर ओ हो गया। तो जैसे दंत अधन ओष्ट दंतोष्ट हो गया, क्या हो गया, दंतोष्ट। तो अब देखिए इसमें ओ आ गया, उसी तरह से फिर देखेंगे कि ओ अधन ओ बराबर ओ, यहां पर हो गया परम धन औषध बराबर परम औषध, यहां पर भी ओ आ गया। यहां भी हमने देखा, यहां भी लौ आ गया, यहां भी लौ आ गया, तो हमारा
मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जब भी हम उसका संधि विच्छेद करें तो हमको बीच में अवकार होना चाहिए। जब अवकार नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमको अवकार पर ध्यान देना। जब अवकार आ जाए तो हम आंख मुन कर कह सकते हैं कि यह वृद्धि संधि है। अब जैसे यहां पर देख लीजिए, आ धन औ बराबर औ, यानी महा धन औषध बराबर महाऔषध। महाऔषध का मतलब दवाई समझना, औषध वही महाऔषध हो गया। अब एक बात फिर से हम देख लेते हैं कि वृद्धि है ना, तो वृद्धि शब्द जब देते हैं तो जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए में ए ऐ आए हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए कि जब पहले शब्द के अंत में और या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। यदि ओ ओ आए तो ये दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा इसमें समझाया आपको कि अ धन ए बराबर ऐ, एक धन एक बराबर एक, लोक धन एशन बराबर लोकेशन है ना, आ धन ए बराबर ऐ तो सदा, धन ए बराबर सदैव। ठीक है, उसी तरह से तथा धन एव तथैव। अब देखिए तथा आ यहां भी आ है, एव यहां पर ए है, तो ये तथैव हो गया। अब आइए फिर देखते हैं इसको हम, अ धन ए बराबर ए, और धन ए बराबर ए बराबर क्या होती, जैसे अब क्या करेंगे, मत धन एक के मत क्या। ठीक है, धन जोड़ ऐश्वर्य धन ऐश्वर। अब देखिए यहां पर आ धन ओ बराबर ओ, तो क्या हो जाएगा, दन धन ओष्ट बराबर दंतोष्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए। इसके बाद हम लोग कल फिर इसके आगे भाग पर ध्यान देंगे।